ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के बीडीओ सभागार में पंचायतों में हाईटेक तरीके से काम करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में 14वें वित्त आयोग के कामों को कंप्यूटरीकृत ढंग से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण में अहम जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक अजय और कपिल ने उपस्थित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। हमीरपुर के बीडीओ सभागार में पंचायतों में हाईटेक तरीके से काम करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में 14वें वित्त आयोग के कामों को कंप्यूटरीकृत ढंग से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण में अहम जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक अजय और कपिल ने उपस्थित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान पंचायत सचिवों तकनीकी सहायकों को जियो तकनीक के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 25 पंचायतों के पंचायत सचिवों और तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए पंचायत इंस्पेक्टर पम्मी ठाकुर ने बताया कि हाईटेक तरीके से पंचायतों में काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि 14वें वित्त आयोग के तहत किए जा रहे कामों को निपटाया जा सके। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं पंचायत इंस्पेक्टर हूँ हमीरपुर ब्लॉक में। आज हमारे यहाँ पे जो है जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से TOTs आए हैं, जो कि यहाँ पे हमारे जितने भी 25 पंचायतों के पंचायत सचिव हैं और साथ में तकनीकी सहायक हैं, उनको जियो टैगिंग के बारे में जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि अब हिमाचल सरकार के और भारत सरकार के आदेश हैं कि जो भी 14 विद्यालयों में कार्य किए जा रहे हैं उनकी जियो टैगिंग की जानी है, जो कि पहले जैसी मनरेगा में होती थी उसी तरह आप जो है 14 विद्योग में भी की जानी है। तो अब उसी के संदर्भ में जो है आज हमारे हमीरपुर ब्लॉक में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर से जो है वो प्रशिक्षक आए हुए हैं, अजय ठाकुर जी और कपिल जी, और यहाँ पे हमारे पंचायत सचिवों को और जो हमारे तकनीकी सहायक उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो जितने भी आज तक 2015-16 से अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी जियो टैगिंग की जाए। इस संदर्भ में आज का जो ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है।